हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है डेट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट टू, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है डेट इज द कंजम्पशन फंक्शन, और जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो है ड्यूजनबरी उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसी के साथ ही क्या है कि मैं आपको हमारा जो पूरा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट टू का जो कोर्स है डेट इज अवेलेबल एट माय ऐप डेट इज द एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। कोर्स का लिंक भी आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जनरली यूट्यूब को एक अनस्ट्रक्चर्ड समुंदर माना जाता है जिसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो ये क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए, मुझे समुंदर से सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, तो ये उन बच्चों के लिए रेलेवेंट है ऐप एडुसम ऐप। तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में यू विल गेट एवरीथिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। डजन वरी हाइपोथेसिस जो है उन्होंने अपनी बुक जो है इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर दिया है, वहां पे उन्होंने इनकम सेविंग और कंजम्पशन का रिलेशनशिप जो बताया है उसी रिलेशनशिप के बेसिस पे इसको डजन वरी हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके दो पार्ट्स हैं। जब हम इस हाइपोथेसिस को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रेजेंट कंजम्पशन एंड प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड द सेकेंड इज डेमोन्स्ट्रेशन फैक्ट। देखो, जो हमारी करंट कंजम्पशन है, जैसे इस मंथ, ये वाला मंथ चल रहा है मार्च का, तो मार्च के अंदर जो मेरी कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है मेरी फैब की सैलरी पे। तो करंट कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट इनकम, करंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो हमारी प्रीवियस इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी करंट इनकम जो है कम हो जाती है, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड के अंदर कम नहीं होगा, क्योंकि उसको उसी लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसी की, जैसे मान लो मेरी 80,000 सैलरी है, ऑल ऑफ सडन मेरी सैलरी जो है 40,000 हो जाती है, तो मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आई विल ट्राई टू मेंटेन कि जो मैंने प्रीवियसली मेंटेन किया था, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जो हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने की आदत पड़ जाती है शॉर्ट पीरियड के अंदर वो कंटिन्यू रहता है, धीरे धीरे हम अपनी जो न्यू इनकम होती है उसके मुताबिक उसको चेंज करते हैं। करंट कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट इनकम, जो करंट कंजम्पशन है वो करंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर किसी व्यक्ति का करंट इनकम कम हो जाता है तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उस मात्रा के अंदर फॉल नहीं करता जिस मात्रा के अंदर उसकी इनकम फॉल करती है। अगर उसका इनकम रिड्यूस हो जाता है तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। हाई लेवल ऑफ इनकम इंजॉयड इन द पास्ट डज नॉट अलाउ द कंजम्पशन टू गो डाउन, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि रिस्क मतलब मेरी मान लो 80,000 सैलरी है, ऑल ऑफ सडन इट बिकम्स 40,000, तो क्योंकि मेरी प्रीवियस इनकम पहले ज्यादा थी तो उसी के बेसिस पे जो मुझे लाइफ स्टाइल जीने की आदत है उसी को आई विल मेंटेन, तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो मेरी न्यू इनकम है उसी के मुताबिक लॉन्ग पीरियड के अंदर जो है मैं अपनी जो कंजम्पशन है उसके मुताबिक मोल्ड करूंगा। फॉल ऑफ इनकम का जैसे मैंने आपको बताया दो इफेक्ट्स होते हैं। अगर पहले हमारी अच्छी खासी इनकम थी तो उसके बेसिस पे हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने की जरूरत थी, अगर मतलब उसी के मुताबिक हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे थे। अब मान लो अगर हमारी इनकम रिड्यूस हो जाती है तो भी हम उसी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जीते आ रहे हैं उसी को ही मेंटेन करेंगे शॉर्ट रन के अंदर। प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम टेंड टू रिड्यूस कंजम्पशन बट चेंजेस इन कंजम्पशन हैबिट्स आर क्वाइट स्लो। देखो, जो हमारा प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम है कंजम्पशन को रिड्यूस करता है, बट उसके अंदर जो हमारी कंजम्पशन हैबिट्स धीरे धीरे करके जो है न्यू इनकम के मुताबिक एडजस्ट होती हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर फॉल नहीं करता, क्योंकि हमें धीरे धीरे लगता है कि हाँ भाई तेरी इनकम कम हो गई है, तुझे इस इनकम के हिसाब से चलना चाहिए। सेकेंड जो है डेट इज द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देखो, जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है ये होता है दिखावे का। ज्यादातर लोग जो है चीजें खरीदते हैं दिखाने के लिए, वी आर वेरी यूनिक। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि देखो, जो रिच क्लास करती है तो जो गरीब लोग होते हैं वो भी उसको कॉपी करते हैं,
तो कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द रिच क्लास हैज इफेक्ट ऑन द पुअर क्लास एज वेल। जैसे आपका पड़ोसी जो है, अगर वो 10 लाख की कार लेके आया है, तो आपको भी लगता है कि मुझे भी जो है, चाहे आप लोन लेके लो कि मुझे उससे ज्यादा की कार लेनी है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो होता है कि जो रिच क्लास होती है उसका इफेक्ट जो है पुअर क्लास पे पड़ता है। तो पर्सन बिलोंगिंग टू पुअर क्लास आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रिच क्लास, ट्राई टू इमिटेट द सेम। कि जो पुअर क्लास है वो रिच लोगों को कॉपी करती है, उसको कोशिश करती है उन लोगों को फॉलो करने की। जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती है, तो उनकी खर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट आल्सो इंक्रीजेस। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो उससे लोगों की जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो रिच लोगों को फॉलो करते हैं कि रिच लोगों के पास ये है, अब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है, तो हमें भी उन्हीं के मुताबिक जो है चीजें खरीदनी चाहिए।